ये मेरा एक कप है जिसका हैंडल पहले से ही टूट गया था, तो मैंने इसमें जेड प्लांट्स की कुछ कटिंग्स को ग्रो किया था, और ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का था इसलिए मैंने इसमें ग्रो किया था, और फाइनली ये भी मेरे हाथ से फिसल कर गिर गया तो ये फिर से टूट गया। तो मैं सोच रही थी इसमें जो कटिंग्स लगी हुई है ये अच्छी ग्रो कर रही है, तो क्यों ना इसे मैं रिपॉट कर लूँ किसी और छोटे से प्लांटर में। और वैसे भी जेड प्लांट को लकी प्लांट भी कहा जाता है, जो अक्सर घरों में लगाया जाता है, और ये एक सेक्युलेंट प्लांट है, सेक्युलेंट टाइप की वैरायटी होती है, तो ये इजीली ग्रो भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसके जो रूट्स है उसको मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो ना भी करें कोई बात नहीं है, मैं इसे भी लगा सकती थी, लेकिन मैं मुझे छोटे से प्लांटर में इसे लगाना है तो इसलिए मैंने इसके रूट्स कट कर दिए थे, और कुछ की जो है मैंने रूट्स कम्प्लीटली कट कर दी थी, स्टेम से ही मैंने कट कर दी। और सोच रही थी कि इसकी कुछ और कटिंग्स भी लगा लूँ, लेकिन प्लांटर मेरे पास एक है तो वो छोटा सा है। ये देखिए अभी जो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा प्लांटर है जो अभी खाली पड़ा है, बाकी सभी प्लांटर्स में तो प्लांट्स लगे हुए हैं, तो बस इसकी कटिंग को मैं अभी इसमें लगा लूँगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि ऊपर से कुछ लीव्स यहाँ से हटा दूँ ताकि और अच्छा ग्रो करे, इसकी रूटिंग्स जल्दी हो जाए। इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसके जो लीफ होते हैं वो एनर्जी जल्दी ले लेते हैं, तो रूट्स डेवलप होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो वैसे भी ये प्लांट थोड़ा टाइम लेता है लेकिन इजीली ग्रो हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ स्टेम से मैं इसके रूट्स हटा देती हूँ और कुछ ऐसे रूट्स के साथ भी लगा देती हूँ, तो बस ऐसे मैंने इसकी रिपॉटिंग कर ली। और इस प्लांट को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये तो धूप में रहने वाला प्लांट है, इसे अच्छी धूप चाहिए होती है, और इसे लकी प्लांट कहा जाता है। ये इजी टू ग्रो प्लांट है और ये एक सेक्युलेंट टाइप की वैरायटी है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, और पता है ये एक लीफ से भी ग्रो किया जा सकता है, बस इसके ऐसे एक दो लीफ भी अगर नीचे गिर जाए, ऐसे छोटे छोटे कटिंग्स है तो ये ऐसे भी आप रख दो मिट्टी में तो ये जल्दी लग जाते हैं। और ये देखिए इसमें पानी भरा होता है तो इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस अभी हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस मैंने इसमें अभी डाल दिया पानी और मैं इसे बस अभी साइड में रख दूँगी। और मेरे पास एक छोटे से खिलौने वाला पानी का पॉट था, तो इसमें मैंने मनी प्लांट को ग्रो करके रखा था पानी में, तो ये देखिए ये भी मेरे हाथ से फिसल के गिर गया नीचे, यहाँ से ये टूट गया, तो सोचा मैंने कि चलो इसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पर ये टैंगल हार्ट वाली, ये कुछ बेल वाली जो वैरायटी होती है ये भी मेरे पास काफ़ी है, तो दोनों प्लांट्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और ऐसी छोटी मोटी जो टूटी फूटी चीज़ें होती है जो कबाड़ में पड़ी होती है उनका भी मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, बस चीज़ें भी यूज़ हो जाती है कबाड़ में पड़ी हुई, मन भी लगा रहता है, अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।